गिरना उठना, चलना दौड़ना, घूमना फिरना, इसी में तो ज़िंदगी जीने का असली मज़ा है। जो सबक हमें किताबों से नहीं मिल पाता, वो एक सफ़र हमें सिखा देता है। गुड मॉर्निंग पीपल। तो मैं भी हूँ इंदौर सिटी में, होटल में। अभी सुबह हो रहा है, दैट इज 7 दिसंबर। सुबह के बज रहे हैं अराउंड 9:30 एंड आई एम रेडी टू गो टू झांसी नाउ। दैट इज माई सेकेंड स्टॉप टूवर्ड्स लखनऊ। यहाँ का स्टे भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। तो मैसी हो गया रूम बिकॉज मेरे सामान बहुत थे, सब मैंने सूखने में डाल दिए थे। ये इसमें टॉप बॉक्स, ये पैड, शूज एंड द टेल बैग, द हेलमेट। सो इस प्रकार का कुछ रूम है एंड रूम भी काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। सो चलिए गाइस, अभी हम निकलते हैं। सब सामान मैं लोड करता हूँ बाइक पे, देन मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करता हूँ होटल में, देन आई विल लीव फॉर झांसी और बाकी के बातें हम रोड पे करेंगे। तो मैंने बाइक में मैंने मेरे सारे सामान डाल दिए हैं, सो इट इज़ ऑल सेट, आई एम रेडी टू गो। सो अभी झांसी यहाँ से दिखा रहा है अप्रॉक्स 8 hours 47 minutes 45 kilometers, तो 6:30 या 7 तक मैं पहुँच जाऊँगा। जय सिया राम, गणपति अप्पा मोर्य। चलिए फिर निकलते हैं। सो लेट्स लीव फॉर झांसी नाउ, आई एम ऑल सेट। थोड़ा ज़रा कूल स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी को। सो कैसे हो आप लोग? आप लोग रोड का आनंद लीजिए। सो लेट्स मूव। ओके, सो दिस इज वन वे। तो अब मैं इस बार मैं सिटी के अंदर से नहीं जाऊंगा, मैं बाहर बाहर से निकल जाऊंगा फटाफट, बिकॉज लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैं सिटी के अंदर अंदर आया था ना, तो काफ़ी जाम हो गया था ट्रैफिक। सो इट्स बेटर टू मूव आउट फ्रॉम द सिटी। शायद ये ब्रिज पकड़ के मुझे स्ट्रेट निकल जाना है, सो आई विल रीच। बाय बाय इंदौर, मिलेंगे कभी। भैया यहाँ के लोगों का राइडिंग का स्टाइल ही अलग है, सब आंधा धुंधी, सब आंधा धुंधी। भाई कल ने तो एक अंकल ने तो भाई गाड़ी घुसा दिया मेरे गाड़ी में, और बाइक मेरी गिरी भी, बट थैंक्स टू दिस क्रैश गार्ड कुछ क्रैश नहीं आया। क्या बोलूँ अंकल को, ना हॉर्न मार रहा है ना मार रहा है, बस लेफ्ट से आया थप के थूक दिया। ना सिग्नल है ना कुछ है, सब अपने धुनके में चला रहे हैं। आई डोंट नो क्या चल रहा है इस दुनिया में। हाँ ये भाई साहब अभी रेस करेंगे मेरे साथ। अरे जाओ, BMW का रोड प्रेजेंस ऐसे है, लोग दिखते हैं। मैंने हाईवे पकड़ लिया है। बाय बाय इंदौर, फिर मिलेंगे कभी। सो नाउ लेट्स गो टू झांसी। 8 hours 29 minutes 8.5 घंटे दिखा रहे हैं, 478 kilometers। चलिए कोई नहीं, आगे कोई पेट्रोल मिलेगा तो मैं पेट्रोल भरा लूँगा। वैसे तो पेट्रोल है, रेंज है, 200 किलोमीटर जा सकता है।
दिस गोज टूवर्ड, ये हैवी ज़्यादा टूवर्ड्स आगरा भोपाल, बट मुझे जाना है झांसी। ये रोड फिर भी अच्छा है, जब पीछे रोड था एकदम बेकार था। यहाँ पे सब मिल्स है, आई डोंट नो शायद शुगर मिल्स होगा। ये तो सब धान उग रहे हैं। सेवन आवर्स 27 मिनट्स, 7.5 घंटे दिखा रहा है, 426 किलोमीटर्स। चलो ये भी हो जाएगा फटाफट, कोई गल नहीं, निकाल लेंगे, मजा आती है। रोड पे चला दी है गाड़ी गुड़बुर। गाइस आप लोग के लिए है सब, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी करिए और बताइए कैसा लगा। वैसे तो बाकी तो व्यू आप देख ही रहे, पूरा रोड खाली, ओनली मी माय बाइक एंड हाईवे, एक दो ट्रक दिख रहे हैं, खेत है लेफ्ट साइड में पूरा ग्रीन कलर का, पूरा क्लियर स्काई है। गोइंग टुवर्ड्स यूपी, योगी बाबा की जय, हम जा रहे हैं योगी बाबा के दरबार में, योगी बाबा की जय हो। पूरा स्ट्रेट है वे, एकदम स्ट्रेट, बस एक्सीडर दो एंड यू आर गुड टू गो। एक्चुअली विंड ब्लास्ट राइट साइड से बहुत आ रहा है, तो गाड़ी स्पीड में जा रही है तो गाड़ी थोड़ा ज़रा लेफ्ट साइड में भी थोड़ा ज़रा प्रेशर आ रहा है, बट ठीक है। बाइक पे थोड़ा बाइक इज़ लोडेड, बाइक में लोड है, इसके वजह से बाइक थोड़ा हैवी है, तो हवा की वजह से ज़्यादा नहीं हिल रहा है, नहीं तो ये बाइक हिलती है ज़्यादा, अगर वेट नहीं रहता है ना तो हिलती है बाइक, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। वाओ क्या व्यू है गाइस, हमें देखो विंड मिल भी है। मैंने पेट्रोल भरा लिया है अभी जस्ट, टैंक की फुल हो गया है, अब टेंशन नहीं है, अब 300 किलोमीटर आराम से चला सकता हूँ। बट ड्यू टू लोड ऑन द बाइक 280 किलोमीटर ही जा रहा है, खींच रहे हैं ना बाइक, और मैं भी 100 के ऊपर जा रहा हूँ, 110-120 टच कर रहा हूँ बाबा, बिकॉज हाईवे है खाली है, ट्रक में ही तो जीना हराम करके रख दिया है। ओ देखो बड़ा सा विंडमिल, क्या व्यू है, वाह 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 वाह, वहां तो कोई रिवर भी है शायद।
100 की स्पीड पे क्रूज कर रहा है, मैंने क्रूज कंट्रोल मैंने ऑन कर दिया है, क्रूज कंट्रोल मैंने लगा दिया है, 100 की स्पीड पे क्रूज कर रहा है आराम से, कोई टेंशन नहीं है, बस खाली बैठे रहो आराम से क्रूज होता रहेगा। दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस इज़ वेरी हैंडी फॉर हाईवे राइड्स, क्रूज कंट्रोल। बट आपका ध्यान फोकस रोड पे होना चाहिए क्योंकि गाड़ी और कोई भी भाग के आ सकता है, बीच में कुछ भी आ सकता है, तो आपको जस्ट बी प्रिपेयर्ड। जैसे क्या होता है आप इसको घुमा दो तुरंत, क्योंकि इसलिए वो टाइट हो जाता है। तो ये है गगन होनी सिटी, अभी बज रहे हैं अराउंड 12:53 और मैं पहुंच चुका हूँ गगन होनी फ्रॉम इंदौर। अभी दिखा रहा है 324 किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली 5 hours 45 minutes। तो मैं 6:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा वहाँ झांसी। मैंने वहाँ पे रूम बुक नहीं किया है, मैं वहाँ पे जाके बुक करूँगा बिकॉज द प्राइस आर सेम। ऑनलाइन आप बुक करो या वहाँ जाके बुक करो, वहाँ जाके आप थोड़ा बार्गेनिंग कर सकते हो तो बेटर है, तो 200-300 रुपये थोड़ा कम हो जाएगा। दिस इज गर्गोनी सिटी है या जिला है, आई डोंट नो, अपडेट मी इन द कमेंट सेक्शन। गर्गोनी इज अ सिटी और इट्स अ जिला, और दिस इज अ रिवर, ये कौन सा रिवर है आई डोंट नो। देख लेते हैं इधर ही, लेट्स हॉल्ट हियर, कुछ खा भी लेता हूँ, आई विल फैशन अप एंड आई विल जस्ट लीव देन। सो गाइस मेरा हो गया यहाँ पे लंच, यहाँ पे खाना खाया था मैंने, लंच हो गया। लेट्स स्टार्ट द रूट। चलिए गाइस अभी यहाँ से दिखा रहा है मेरे को अराउंड 5 hours लगेगा, नॉट मोर देन डैट। चलिए गाइस तो हम निकलते हैं, ऑल डन, पेट पूजा हो गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, चाय पी के फीलिंग गुड नाउ। यहाँ पे शायद सरसों को कहते हैं, येलो कलर के, करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, ये सरसों के खेत है, सरसों के अंदर। अभी मौसम काफी अच्छा हो गया है, थोड़ा ठंडा, थोड़ी ठंडी चालू हो गई है। अभी दिखा रहा है 5 hours 283 kilometers और झांसी।
आ गया है गुना शहर, राइट साइड इफ यू गो इट विल बी गुना। और मेरा जो पेट्रोल है वो भी अब ख़त्म होने आया है, इट इज ओनली 53 किलोमीटर्स रिमेनिंग। दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, एक्चुअली 70-80 किलोमीटर्स रिमेनिंग है एंड 3 hours 46 minutes 200 किलोमीटर बाकी है एंड इट इज़ अराउंड 2:54। सो राइट नाउ मैं नेशनल हाईवे 47 पे हूँ। मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम मुंबई एट नेशनल हाईवे 52, फिर 52 से आई केम ऑन NH नेशनल हाईवे 46, अभी मैं नेशनल हाईवे 47 में हूँ। पूरा मौसम में पूरा पूरा बादल छा गया है, सूरज नहीं दिख रहा है एंड ठंडी भी चालू हो गई है थोड़ी थोड़ी, बिकॉज़ अभी ये शाम हो रहा है ना, बिकॉज दिन छोटा होता है रात बड़ी होती है। वन 125 किलोमीटर है झांसी, 2 hours 24 minutes पहुँच जाऊँगा। शिवपुरी 17 किलोमीटर, झांसी 104 किलोमीटर। शायद इनको झांसी के लिए मुझे राइट मारना पड़ेगा। आई कैन सी द फ्लाई ओवर ओवर देयर, तो एक रोड शायद वहाँ जा रही है, एक रोड शायद स्ट्रेट जा रहा है। सो लेट मी टेक राइट, आगे से यू टर्न करके मुझे राइट लेना है फॉर झांसी। ओके फाइन, सो दिस इज द फ्लाई ओवर एंड दिस इज द अनदर हाईवे। आई डोंट नो दिस, दिस इज नेशनल हाईवे 47। So I think so I need to go toward National Highway 27. That is to National Highway 27. Okay, got it. So let me take a right from here only straight away. Why to take U-turn over there? Okay, so I'm taking the right turn over here. Now I'm going straight. Okay, so right now I'm at National Highway 27. Whew! 104 kilometer bacha hai for Jhansi. ओके सो नाउ वी आर गोइंग स्ट्रेट। ओ थोड़ा रोड गंदा है, स्लोली चलते हैं भैया। दिस इज नेशनल हाईवे 27 गोइंग टूअर्ड झांसी एंड आई थिंक सो इस तरफ झांसी जाएगा एंड वो जाएगा आगरा। झांसी आई डोंट नो वेदर आई हैव एंटर्ड उत्तर प्रदेश और नॉट, यहाँ पे कुछ बोर्ड वगैरह आएगा मे बी। एंड दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रेट रोड ऑफ 18 किलोमीटर, स्ट्रेट है, स्ट्रेट पूरा स्ट्रेट, चलते आइए चलते आइए चलते आइए, बेस्ट। एंड रोड्स आर एक्चुअली गुड, तो आपको ज़्यादा कोई इश्यू भी नहीं होगा। मैं अराउंड 125-130 किलोमीटर्स में ही हूँ, नॉट लेस देन दैट। पूरा पूरा रोड खाली है, रोड इज फुल स्ट्रेट, नेशनल हाईवे 27 अब काफ़ी अच्छा है टूवर्ड झांसी। सी आई एम अप्रॉक्स 128 किलोमीटर, 131 यही है स्टेबल, 132 मस्त बाइक क्रूज हो रहा है, बाइक में कोई इशू नहीं है, स्टेबल है बाइक क्रूज हो रहा है। बाइक स्टेबल क्यों है? बिकॉज बाइक पर लोड है। आई एंटर्ड उत्तर प्रदेश, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इतना रोड इतना अच्छा क्यों है, बिकॉज इतना मक्खन रोड है, क्या कैन टेल यू, को इतना मज़ा आ रहा है रोड पे चलाने के लिए। देखो अब तक नेशनल हाईवे 47 में मुझे कंटाला आ रहा था, बट इस सी रोड में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे देखो आपको बंदर मिलेंगे, दिस इज ऑल रेड माउंटेन्स, लाल कलर की मिट्टी और लाल कलर पत्थर है।
यहाँ पे देखो नदी है, सीधा मैं भी थोड़ा सेटिंग कर लेता हूँ। व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, व्हाट अ व्यू, सही लग रहा है तुम। एक साइड में रेड, एक साइड में ग्रीन एंड बीच में स्ट्रेट रोड। योगी बाबा की जय। See this highway. Wow. झांसी ऐसे नहीं बोलते यार, मतलब दूर दूर तक कुछ नहीं है, दूर दूर तक उसी जस्ट सी। दूर दूर तक सुपर सुपर। आई वॉन्ट टू कैप्चर दिस मोमेंट। एंटर होते ही मेरे को यूपी की गाड़ी मेरे को दिखने लग गए। सो दिस इज माई होम टाउन उत्तर प्रदेश। अभी कल मैं झांसी से जाऊंगा लखनऊ, फिर एक कजिन की शादी है, देन आई विल अटेंड एट रांची, फिर दे आई विल कम बैक टू लखनऊ, देन आई विल गो टू सिद्धार्थ नगर बासी विच इज माई एक्चुअल होम टाउन, जो मेरा गाँव है वहाँ से जमोना, ये 7 किलोमीटर्स फ्रॉम बासी। बासी एक ज़िला है, वहाँ भी मैं रहता हूँ, बट जमुना मेरा गांव है, मैं वहाँ भी जाऊँगा बिकॉज आई एम कमिंग आफ्टर 3 इयर्स। तीन साल नहीं आया था मैं यहाँ पे। सो दिस इज झांसी सिटी आप लोगों के लिए। दिस इज बाय रोड, बाय ट्रेन तो आप लोग बहुत बार आए होंगे। दिस इज बाय रोड। नाउ आई एम फाइंडिंग माय डेस्टिनेशन जहाँ पे मुझे रूम बुक करना है। लेट्स सी दैट, यहाँ से 15 किलोमीटर दिखा रहा है। वहाँ भी होटल्स होंगे बट लेट्स सी, यहाँ भी होंगे होटल्स। पूरा सिटी है झांसी का, और वो रहा झांसी का किला, झांसी की रानी का किला, वो रहा सेंटर में। सेंटर में दिख रहा है,
सर्कुलर हाउस। हाँ मैं भी जा रहा हूँ मनाली कैफे लॉन्च, देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेट्स सी। खाना वहीं पे खाऊंगा। ये कहाँ निकलता है देखते हैं। ओके सो दिस मूव्स आउट ओवर हियर, सो ये जाता है स्ट्रेट राइट। अटल एकता मार्ग, ओह दिस इज अटल एकता मार्ग, दिस इज क्लोज्ड, दिस इज पार्क, दिस इज सम काइंड ऑफ पार्क। ओह हॉर्स, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। दिस इज आज़ादी का झांसी, आज़ादी झांसी। गॉट इट। क्या भैया रेस कर रहे हैं क्या? नॉट इंटरेस्टेड। दिस इज अर्बन किचन, सुबन किचन। This is the baker's factory. No. Not this one. Let's take a right and see what we have got. Sahu. Let me check where I can park it. तो मैं पहुंच गया हूं मनाली कैफ़े। मैं यहाँ पे डिनर करूंगा, फिर जाके मैं सो जाऊंगा, फिर कल मिलते हैं गाइस टूवर्ड्स लखनऊ। टिल देन बाय बाय।